महाराष्ट्र में अच्छी बारिश की वजह से धान की खेती ने जोर पकड़ लिया है। वैसे तो देश भर में धान की रोपाई में पिछले साल के मुकाबले 27% से अधिक की गिरावट है, लेकिन कुछ राज्यों में पहले के मुकाबले अधिक बुआई हुई है। ऐसे ही सूबों में महाराष्ट्र भी शामिल है। यहाँ 15 जुलाई तक पिछले साल के मुकाबले 1.02 लाख हेक्टेयर में अधिक बुआई हो चुकी है। इसकी एक वजह है मानसून जून में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जुलाई में बदरा जमकर बरसने और धान की रोपाई बोर बुआई तेज हो गई। बारिश से किसानों का उत्साह बढ़ा है। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में धान की खेती होती है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जुलाई के अंत तक धान की खेती का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य खरीफ फसलों की बुआई में भी तेजी आई है। जून में बहुत कम बारिश के कारण खरीफ फसलों की बुआई में देरी हुई थी। हालांकि कई जिलों में जरूरत से ज्यादा अधिक बारिश भी हुई, लेकिन किसान इसके साथ तालमेल बैठाकर संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बारिश की भारी कमी और फिर अचानक अतिवृष्टि ने उड़द, मूंग, सोयाबीन और कपास की फसल को प्रभावित किया है। पहले कुछ किसानों की फसल सूखे से खराब हुई और अब खेतों में ज्यादा पानी भरने की वजह से नुकसान हो रहा है। मैं बता दें, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, रायगढ़, पालगढ़, नासिक, कोल्हापुर, पुणे, थाने, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर एवं नांदेड़ में भी धान की खेती ने जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के विदर्भ में धान की खेती होती है। मौसम विभाग के अनुसार यहां 1 से 15 जुलाई तक सामान्य से 46% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बता दें कि राइस सिटी गोंदिया में 388.3 mm की जगह 529.8 mm बारिश हुई है। वहीं नांदेड़ में 154% अधिक बारिश हुई है। यहां 254.0 mm की जगह 645.1 mm बारिश की रिकॉर्ड की गई है। वहीं पालघर में 92% अधिक बारिश हुई है। चूंकि धान की खेती में अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए बारिश तेज होते ही बुआई ने रफ्तार पकड़ ली। विदर्भ में सबसे ज़्यादा धान और कपास की खेती की जाती है। वहीं मराठवाड़ा में सोयाबीन, तुअर, उड़द और मूंग की खेती ज़्यादा होती है। पूरे जिले में किसान धान की रोपाई करते समय खेत में पारंपरिक गीत गाते हैं। इस समय धान की रोपाई की तस्वीर हर तरफ देखने को मिल रही है। वहीं धान की रोपाई में किसान थक जाते हैं। शारीरिक थकान को दूर करने के लिए और रोपाई करते समय उत्साह बढ़ाने के लिए वो गीत गाते हैं। फिलहाल अच्छी बारिश से बुआई तो हो गई है, लेकिन अब देखना ये है कि उत्पादन कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।